अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेई मेन जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पर्टिकुलर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लो आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अच्छे से पूरे यूट्यूब पर एक सीरीज चल रही है बेवकूफ़ बनाने की। आप ऐसे समझ लो कुछ एक अच्छा डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट एक दिन में सही हो। आप बहुत साइकोलॉजिकल समझना, एक अच्छा कोचिंग का टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ओनर कभी नहीं चाहता कि 2 महीने में 6 महीने में सिलेक्शन हो जाए किसी स्टूडेंट का। निगेटिव बात है ये, मगर ये बात एकदम ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि जितना लॉन्ग चाहता जरूर है, एक डॉक्टर चाहता जरूर है मेरा पेशेंट सही हो, मगर एक पर्टिकुलर फीस ले ली जाए उससे। एक कोचिंग का ओनर चाहता है मेरा बच्चा सेलेक्ट हो, मगर क्या करा जाए, 1 साल 2 साल ड्रॉपर कर करके फीस ले ली जाए। तो सिंपल मैं मेथड आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, क्योंकि 95-97% बच्चे स्कोर, मान लो नीट का एग्जाम है, केवल 600, 610, 620 मतलब ये टारगेट करते हैं। अगर एससी कैटेगरी है, ओबीसी है या पर्टिकुलर कोई कैटेगरी है, 610 620 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीबीएस में। तो मैं आपको बताऊंगा 610 और 620 कैसे ला सकते हैं, या जेई मेन जो एनआईटी के कॉलेज है और एक अच्छे डिसेंट कॉलेज आपको बहुत इजीली मिल सकते हैं। जो एक फालतू का नौटंकी सी चल रही है कोचिंगों में, डराया जा रहा है, बहुत बहुत भारी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का बहुत हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है, उतनी जरूरत नहीं है। और हर बच्चा उस लेवल पर पहुंचना नहीं चाहता। ये कोचिंग अंडर 100 रैंक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो जो एवरेज बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जो एक अच्छे, जो चाह रहे थे उन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, या फिर जेई मेंस के अकॉर्डिंग, मतलब एक एनआईटी कॉलेज मिल जाए, मगर वो भी परेशान हो जाते हैं। नॉर्मल आईआईटी कॉलेज मिल गया एक सिंपल ब्रांच में कंप्यूटर साइंस, तो इतना कंफ्यूजन कर चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ाया जा रहा है। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि आपको कुछ नहीं करना। मेरे पास ये सिंपल सी 6 किताबें हैं, ये बच्चों ये मेरे पास किताबें हैं, एक एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बात चल रही है, एनसीईआरटी 4 किताबें हैं। आप एक अच्छे स्कूल ट्यूशन टीचर से भी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से नॉर्मल पढ़ाई जैसे कर रहे थे, उसके बाद ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो केवल ये एनसीईआरटी की बुक से, केवल एनसीईआरटी की बुक से मैं गारंटी ले रहा हूँ केमिस्ट्री में 170 मार्क्स आ सकते हैं 180 में से, बायो में 330 के आसपास, मतलब 500 नंबर तो केवल ऐसे ही आ रहे हैं। 600 नंबर का टारगेट 610 620 का बहुत इजीली किया जा सकता है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इतनी सारी कोचिंगों में, इतने सारे टीचर्स को देखकर, और जो आपको अपना लेवल समझो कि मेरा क्या लेवल है। आपका लेवल नहीं है कि अंडर 100 रैंक आ जाएगी आपकी, लेवल इन द सेंस कि आपका 9th 10th उस हिसाब से आप पढ़ाई नहीं करी, और आपका है कि केवल सिंपल तरीके से आप पढ़ाई करें और एक अच्छा डिसेंट कॉलेज आपको मिल जाए। मान लो कि वही कैटेगरी है उसको 600 नंबर में सही मिल जाएगा, 610 620 में, तो क्या जरूरत है इतना कंफ्यूज होने की। तो सिंपल एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ो, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज जो मैंने पढ़वाई हुई है, या कहीं भी, या खुद भी पढ़ो, या नॉर्मल स्कूल टीचर से पढ़ो, ट्यूशन टीचर से पढ़ो, 11th पूरा ऐसे ही पढ़ो, 12th का हाफ पढ़ो। बस लास्ट में 4-5 महीने अच्छे, मैं बता दूंगा, केवल पीवाईक्यू लगा के देख लेना। मैं गारंटी ले रहा हूं एक 610 620 का एक अच्छा स्कोर आपको 100% पा सकते हो आप। जेई मेन्स बहुत इजी है केवल एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, और सिंपल एनसीईआरटी इन द सेंस, मान लो आप कहोगे सर मैथ कैसे पढ़े या फिजिक्स कैसे पढ़े, सिंपल तरीके से जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, एक अच्छे से पढ़ोगे 1.5 साल तक, तो लास्ट में पीवाईक्यू कराओगे, आपका डिसेंट स्कोर जेई मेन्स क्वालिफाई हो जाएगा आपका। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जेई मेन्स तक के 98% बच्चों का टारगेट जेई मेन्स होता है, मतलब चाहते हैं वो एडवांस हैं, लेकिन कोचिंग के बाद भी, जो कि सच है, उतना सबको तो कॉलेज नहीं मिलता ना आईआईटी का, तो आईआईटी के बाद क्या अमेठी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में जाना चाहोगे आप? तो ये चाहोगे ना कि एक अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी या और भी जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनसे मिल जाए, एक अच्छा स्कोर आ जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। चाहे बीएससी करनी है, कम से कम जैसे बीएचयू है या अच्छा कॉलेज है मिल जाए, एनआईटी के कॉलेज मिल जाए, आप ये चाहोगे, तो जेई मेन्स से सही स्कोर आ जाएगा। केवल आपको एनसीईआरटी 4 बुकें और एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, एक्सरसाइज सॉल्यूशन पढ़ने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ लास्ट में 3-4 मंथ अच्छे से पीवाईक्यू कर लोगे, आप एक सही लेवल पे होंगे।
अब कह रहे हैं कि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें तो सर अपना एक मतलब हमें तो 100% रैंक ही लानी है, बेस्ट रैंक लानी है, हमें तो IIT के अच्छे कॉलेज चाहिए। तो आप 1.5 साल अच्छे से पढ़ाई करो, NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर लास्ट के 3-4 महीने की स्ट्रेटेजी में बताऊंगा उसमें क्या है। देखो स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं है, फिर आप रेफरेंस बुक उठा सकते हैं 4-5 महीने में, और पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के तरीके से कहीं पर कोर्स आप ले सकते हैं कोचिंग में। मगर 1.5 साल आप क्या करते हो कि बहुत ही घबराहट हो जाती है इतनी भारी भारी क्वेश्चन आंसर देखकर, और हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा। मतलब कि क्या है कि मान लो आपका JEE मेंस या नीट का सिलेक्शन यहाँ पर था, अब आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत ऊपर तक का, तो आप यहाँ पर भी नहीं आ पाते। मोस्टली 98% बच्चे यहाँ पर भी नहीं आ पाते, उससे नीचे रह जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप ये समझो कि कोचिंग वाले ऐसे नहीं हैं कि अगर कोचिंग वाले अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं और रैंक ला रहे हैं तो आपकी भी रैंक आएगी। अगर उनकी 100 रैंक आ चुकी हैं, 20 रैंक आ चुकी हैं, तो ये स्टूडेंट तो लाखों हैं ना, तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। तो कॉमन स्ट्रैटेजी मैंने बताई है कि आपको एक अच्छी नॉलेज के लिए 610 नंबर नेट में एक नॉलेज के लिए या JEE मेंस क्वालिफाई के अकॉर्डिंग आपको अगर एक सही स्कोर लाना है तो सिंपल सी आप NCERT प्रॉपर पढ़ो, उसके बाद 1.5 साल जब आप पढ़ोगे तब रेफरेंस बुक और PYQ करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका स्कोर सही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बाकी इस चैनल पर मेरा नाम है शुभम कौशिक, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड NCERT क्लासेस चैनल। आपका जो ये चैनल है इसमें मैंने NCERT केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन पढ़ाई हुई है, NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन 200 डेज चैलेंज चल रहा है, 200 दिनों में हमें NCERT खत्म करनी है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप कहीं पर भी पढ़ें, मगर कन्फ्यूज ना हो।